गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑटो 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विनोद जैन सर और हमारे साथ हैं शुभाजीत सर। शुभाजीत, जिनका आज साइकोमेट्रिक टेस्ट था, और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए और क्या रहा क्वेश्चन का अप्रोच, और डिस्कस करेंगे जैन सर से। ठीक है, तो अगली आवाज हम स्टूडेंट से लेते हैं। शुभाजीत, आप लाइव हो। हम ये आपसे नॉर्मली आपसे क्या था, प्रोसेस क्या था, आप बता पाओगे कुछ शुभाजीत? बेसिकली देयर वर 199 क्वेश्चंस, ओके, और 90 मिनट टाइम था उसमें। ओके, और उसमें सब चार सेक्शन थे, ए बी सी डी। सर, सेक्शन ए में था कि उसमें हर क्वेश्चन का दो स्टेटमेंट था, एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट यू सपोर्ट विच स्टेटमेंट। ओके, बस दो स्टेटमेंट थे उसमें, वो था लगभग 23 या 24 क्वेश्चंस थे उसमें। ओके, और उसके बाद सेक्शन बी सी और डी, उसमें बाकी मिला के सेक्शन बी में शायद 120 क्वेश्चंस थे, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस थे जी, और डी में शायद 46 या कुछ थे। ओके, तो अब क्वेश्चन कैसे आए थे शुभाजीत, बता पाओगे आप? कुछ याद है कुछ क्वेश्चंस? जैसे मैंने पहले फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, श्योर 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 श्योर। हाँ, और उसके बाद सेक्शन बी सी और डी में हाँ, एक स्टेटमेंट था एंड देयर वर 5 ऑप्शंस। द ऑप्शंस वेर स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, फिर न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। तो अपने आप को स्टेटमेंट पे कहाँ रखते हो, वो बेसिकली वो पूछ रहे थे। ओके, कितना सपोर्ट करते हो आप उस स्टेटमेंट पे। ओके सर, मैं जहाँ तक मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो तीन सेक्शन थे उसमें शायद अलग अलग फ्रेम्स ऑफ क्वेश्चन थे, कि कुछ थे अकॉर्डिंग टू फ्रेंड सर्कल, कुछ थे रिलेशनशिप बिल्डिंग विथ अदर पर्सन टू स्ट्रेंजर, और कुछ थे मतलब ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को उसके मतलब, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई ब्राइब दे रहा है और उसमें आपको पकड़ा जाने का कोई भी चांस नहीं है तो आप ब्राइब लोगे, देन दिस 5 ऑप्शन। ओके, हिसाब से करप्शन से भी क्वेश्चन थे कि करप्शन के लिए हम मतलब नॉर्मल पर्सन कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो 5 क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन थे। ओके, और फिर कुछ कुछ क्वेश्चन थे कि आई एम ऑनेस्ट एंड इंटीग्रल, कुछ ऐसे मतलब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन। ओके, जैन सर आपका कुछ क्वेश्चन? नहीं, मैं ये समझ गया हूँ कि बेसिक पर्पज इन क्वेश्चंस का ये है कि आपकी रीजनिंग, आपकी एबिलिटी एंड आपका बिहेवियरल पार्ट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप पॉजिटिवली चीजों को सोचते हैं या आप वक्त के बहाव में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बह जाते हैं, तो वो सब चीजों को, बिकॉज बैंकिंग इज ए वेरी सेंसिटिव सेक्टर, तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन बताया कि करप्शन पर था कि आपको ब्राइब ऑफर की गई है और आपके पकड़े जाने का कोई चांस नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस दे गिव जस्ट टू असेस हाउ विल यू रिएक्ट टू द फेवरेबल सिचुएशन फॉर ए पर्सन वेयर यू डोंट हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग कॉट। तो जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे रोड पे हम जा रहे हैं, रेड लाइन है, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वेदर विल क्रॉस द रोड और विल वेट फॉर द सिग्नल टू गेट ग्रीन। एग्जैक्टली सर। ओके, मैं और दो तीन मतलब ऐड करना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, प्लीज। फ्रेंड सर्कल्स में दैट यू आर अप्रोचेबल टू योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स आपको मतलब कोई अगर पार्टी रहता है तो दे मिस यू, देन दिस 5 ऑप्शंस अगेन। तो मतलब सर यही 5-6 क्वेश्चंस थे, बट क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के थे, मतलब क्वेश्चन अलग अलग थे बट थीम सेम थे, ताकि वो शायद कंफर्म कर सके कि वो मतलब वो क्वालिटी आप में मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो या नहीं। आई थिंक सो सर। ओके, यानी कि क्वेश्चंस का जो थीम था, लाइक जैसे ब्राइब वाला था या फिर करप्शन वाला था, वो थीम सेम था, वो भी होगा साथ में। मुझे लगता है कि जैसे वो वर्क लाइफ बैलेंस को लेके होगा, वर्क प्रेशर को लेके होगा, स्ट्रेस फुल सिचुएशन को में आपका क्या रिएक्शन होगा, मतलब ओवरऑल जो बेसिक पर्पज है जो बैंक के जॉब से रिलेटेड,
किस किस तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज और सिचुएशनल इश्यूज आ सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके सुभाजीत, आपका कुछ ऐसा भी था क्या, स्ट्रेस के ऊपर भी था क्या क्वेश्चन की, लाइक जैसे आप जॉब कर रहे हो आजकल, जैसे हम लोग सुनते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी आया था क्या स्ट्रेस के ऊपर, बैंक 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 में जॉब में स्ट्रेस होते हैं लाइक कुछ इस तरह? जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है SBI ने, उसका बेसिक पर्पज है कि आपकी पर्सनैलिटी का इनर पार्ट जो है उसको एक्सपोज करना, कि वो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो उस जॉब के सुटेबिलिटी के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं पर्सनालिटी के, क्योंकि क्या होता है कि हमारे रिटन एग्जाम में हमारा नॉलेज पार्ट टेस्ट हो जाता है, इंटरव्यू में हमारा कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट हो जाता है, लेकिन हाउ वी थॉट, हाउ वी रिएक्ट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज नॉट टेस्टेड इन बोथ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन रिटन एंड इन इंटरव्यू। तो दैट टाइप ऑफ टेस्ट दे वांट टू मेक। सुभाजीत एक चीज और बताना, क्या आपको मतलब दो पार्ट, आपने बताया कि सर पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ऐसे कुछ करके था ना, तो उसमें टोटल सारे क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए, कुछ आइडिया है आपको ओवरऑल? सर मैंने तो सारे किए हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि मतलब सर कुछ ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी और सिचुएशनल टेस्ट थे, तो मैंने सारे किए हैं। ओके गुड। और नॉर्मली आप बाहर जब निकले होंगे तो बहुत सारे बच्चों से मिले होंगे, तो उनका क्या कंसर्न था, मतलब उनको उनका क्या सोच था, उन्होंने क्या किया, कुछ आप बता पाओगे? सर ब्रॉडली सर क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चंस था, सारे बड़े बच्चे सारे ही क्वेश्चंस किए थे। ओके और सब सेटिस्फाइड थे, मतलब ओके प्रोसेस। अच्छा बहुत ज्यादा आपको मतलब ये एक्चुअली क्या है ना सुभाजी, आपके थ्रू बहुत सारे बच्चे ये जान रहे होंगे कि इनफैक्ट क्या है ना कि सबसे पहली बार बैंक में इंट्रोड्यूस कराएगा साइकोमेट्री। पहले होता क्या था, रेलवे रेलवे वगैरह के एग्जाम में लोको पायलट वाले में साइकोमेट्रिक साइको टेस्ट या साइको ये टेस्ट लिया जाता था, बट अभी पहली बार ही आया, तो वो चीजें बच्चों में कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है एस्पिरेंट्स में कि अगर सपोज आ जाए SBI ने डाला तो क्या पता एक या सा एक साल बाद या फिर अगले आने वाले साल में IBPS PO भी डाल सकता है ऐसा, क्योंकि PO एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा, लोगों के लिए भी, तो क्योंकि सब लोग पहली बार फेस कर रहा है। इनफैक्ट हमें जहां तक लग रहा है आपका भी फर्स्ट ही एग्जाम होगा या फिर आप भी पहली बार ही देख रहे होंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट का कॉन्सेप्ट ये चीज क्यों। तो मुझे तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। तो यहाँ पे जैन सर, यहाँ सुभाजीत आपसे भी है और सर से भी हम बात करेंगे, यहाँ पे एक कैंडिडेट है पिंकी मैम है, वो पूछ रहे हैं कि क्या मोरल वैल्यू से ही क्वेश्चन थे क्या कौन ली सुभाष? अच्छा अच्छा ओके हैंडलिंग प्रेशर, ये तीन मतलब ब्रॉड एस्पेक्ट। अच्छा मोरल वैल्यू प्रेशर और इस पे एथिक्स। ओके 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 शुभजीत एक चीज हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे? पिक्चर बेस्ड नो सर, जैसे सीरीज में SSB में होता है। हाँ 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 एग्जैक्ट, ऐसे नहीं थे। ओके ओके और कुछ सर जैन सर? नहीं मेरे तो आई गॉट व्हाटएवर द पर्पस SBI माइट हैव एंड देयर इज नथिंग टू गेट पैनिक फॉर द एस्पायरेंट्स। सिंपली ये है कि अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखें और जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो ये ध्यान में रखें कि आप बैंक PO के लिए अपीयर हो रहे हैं, उसकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से एक सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस में अपना लॉजिक अप्लाई करें और स्टेटमेंट से एग्री डिसएग्री जो भी सिचुएशन बनती है वो अप्रोच अडॉप्ट करें। तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस किया है तो थोड़ा लीनियंट व्यू भी रहेगा। Exactly, sir. They also understand कि और जैसा कि सुभाजीत ने बताया कि सब questions ऐसे थे कि जिसमें attempt करने में कोई कठिनाई नहीं थी। हर question को हर व्यक्ति अलग तरीके से देखता है और हर व्यक्ति अलग तरीके से उसे attempt करेगा। तो basic चीज है कि मैं अपनी nature के हिसाब से
और अपने जो थॉट प्रोसेस के हिसाब से उसका क्या आंसर सुटेबल समझता हूँ वही कैंडिडेट को देना है। और वो आप झूठ बोलेंगे तो दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं मैपिंग में आ जाएगा। तो बेसिक चीज है कि अपनी जो भी लॉजिक है उसको पॉजिटिव रखें और एक जैसे ही पैटर्न पे रिप्लाई देने की कोशिश करें तो शायद बेहतर होगा। सुभाजीत, आपका कुछ कंसर्न है जैन सर से, आप कुछ पूछना चाहते हो? क्योंकि आने वाले समय में पैनल में सर ही रहेंगे और मॉक इंटरव्यू में भी, तो अगर आप कुछ आप कुछ आपका कुछ क्वेरी या कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज डिस्कस कर सकते हो सुभाजीत। सर एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ क्वारीज नहीं है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू और होपिंग टू डू वेल सर। अरे यार नहीं आपके अच्छा टोन से ही लग रहा है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है एंड यू आर एग्जैक्टली वेरी कॉन्फिडेंट। यस गुड। ओके ओके थैंक सुभाजीत, यू थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुभजीत, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक ओके 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 सुभाजीत, बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय, मिलते हैं फिर। यू बाय। ओके सर, ओके। हाँ तो सर, जैसा कि बात हुआ अभी कैंडिडेट से, तो इन्होंने तो बताया बहुत अच्छा रहा इनका इनफैक्ट, और समझ में आ जाता है, उन बातों से भी समझ में आ जाता है कैंडिडेट की कैसे, जैसा कि आपके साथ हम पैनल में थे तो आप बोलते थे ना कि जब बच्चा बात करे और जो कॉन्फिडेंस होता है उससे ही इंटरव्यूअर पैनल को समझ में आ जाता है कि बच्चा यस एक्चुअली हाव भाव से समझ में आता है कि क्या कितना बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो। तो यस यहाँ पर यहाँ भी दिख रहा है इनके साथ, पेपर तो नो डाउट अच्छा ही रहा होगा, जिस हिसाब से हम लोग डर रहे थे, इनफैक्ट हम सभी लोग की फर्स्ट टाइम है, सबके लिए नया होगा, बट यहाँ पे अच्छा रहा ये चीज। तो सर यहाँ पे बाकी की चीज और कुछ अगर हम करें रैप अप करने से देखिए पहले, अगर मेरा आप कुछ कहना चाहें सर। सर्टेन सजेशन है कि एक तो जैसे सुभाजीत ने बताया कोशिश करें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, और 90 मिनट बहुत होते हैं और यदि 190 के आसपास क्वेश्चंस हैं तो कोई मुश्किल नहीं है उसे अटेंड करने में। एक बेसिक पॉजिटिव अप्रोच रखें, जैसा मैंने बताया कि आप ये मानते हुए कि एक पीओ के रोल में आपको परफॉर्म करना है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको रिप्लाई देने हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं कि जो पॉलिसीज है उसमें हायर अथॉरिटीज आपको पॉलिसी बना के देती हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्रास रूट पे आपको देती हैं, तो क्या ये ठीक है या गलत, या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, उस तरह की अप्रोच हो सकती है। तो बहुत से कैंडिडेट उसमें सोचते हैं कि नहीं पॉलिसी ग्रास रूट लेवल पे मतलब वो उसके अगेंस्ट में अपना व्यू देते हैं, वो गलत होगा क्योंकि इट इज ए मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री और इसमें पॉलिसीज हमेशा ऊपर से ही आएंगी और डेली रूटीन जो मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है दैट विल बी डेल्ट विद बाय पार्टिसिपेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द पीओ एग्जामिनेशन, तो उनको उसी हिसाब से उसका रिप्लाई देना है। ऐसे कोई सिचुएशन जैसे उन्होंने बताया कि करप्शन से रिलेटेड था कि आपको ब्राइब ऑफर हुई और उसमें आपके पकड़े जाने का बिल्कुल चांस नहीं है, तो उसमें आपको क्या लाइन रखनी है। तो सीधी सी बात है कि ये सिचुएशन तो कहीं भी आ सकती है, तो यू हैव टू शो योर ऑनेस्टी कि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो जो चीज गलत है आई वोंट गो फॉर दैट। ओके सर, ओके, और ऐसे ही हो सकता है कि वर्क से रिलेटेड बहुत सारे डेली जैसे कस्टमर कोई आता है, एक कस्टमर हो सकता है कि वो बहुत रूड हो, यदि वो रूडली बिहेव करता है तो क्या वो अच्छी सर्विस पाने का हकदार है, इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको उसके स्टेटमेंट में रिप्लाई आपका यही आना चाहिए कि बैंकिंग इज ए सर्विस इंडस्ट्री, कस्टमर इज किंग, तो आपको वही ध्यान में रखते हुए रिप्लाई देना है कि ही डेफिनेटली डिजर्व टू गेट ए प्रॉपर एंड बेस्ट सर्विस। वो अपना बिहेवियर उसका कैसा भी हो वी कैन क्रिटिसाइज दैट, बट एट द सेम टाइम उसकी सर्विस इस पे डिपेंड नहीं करती कि उसका बिहेवियर क्या है, वी आर सपोज टू गिव हिम द बेस्ट। ओके सर। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि सुभाजीत थे और जैन सर थे, और सर ने बताया अपने आप को, मतलब कि सारी चीजें बताई सुभाजीत ने, सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, बट एक क्वेश्चन से ये क्लू लगा कि कैसे क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए गए। तो अभी तो फिलहाल ये तो रहा है, आगे में आपको मे बी आई एम नॉट श्योर कि हम बस श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं, बट आगे में कुछ भी हो सकता है, आगे में बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को वो इंटरव्यू के थ्रू देख लेते हैं, आपके नॉलेज को वो मेंस एग्जाम के थ्रू, बच्चा आपका क्या बिहेवियरल नॉलेज, या फिर आपके कह सकते हैं सिचुएशन बेस्ड नॉलेज, या फिर कह सकते हो आपकी और भी एटीट्यूड, अच्छा, हाँ एटीट्यूड, बेसिकली एटीट्यूड। जी सर
तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो अभी SBI ने किया, और आपको पता होगा कोई भी चीज या कोई नई चीज इंप्लीमेंटेशन होती है या फिर किसी बैंकिंग में अगर हम बात करें तो नया चीज देखने को लेके आता है या SBI PO या SBI क्लर्क, वही कहीं ना कहीं चीज यहां पर भी देखने को मिला है। अभी मे भी अगले एग्जाम में या फिर आने वाले एग्जाम्स में आपको IBPS PO के थ्रू भी दिखे, या फिर जो बैंक इंडिविजुअल्स एग्जाम कर रहे हैं, लाइक जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया का भी है तो एग्जाम था, तो उस उन सब एग्जाम में भी जैसे नॉर्मल GD तो सभी में आते थे, बट साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आने में, और धीरे धीरे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनसे हम कवर करके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे आपको, या आपको मॉक के थ्रू मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही जैन सर। एक चीज और मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूँ। हाँ सर, कि एस्पायरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये रिप्लाई देंगे इसका जो आउटकम होगा वो इंटरव्यू के टाइम पर पैनलिस्ट के पास में होगा। वो चीज ध्यान में रखें कि जब उसके बेस पे वो क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को एसेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये भी हो सकता है सर। यस ओके, यार ये सर फिर तो ये तो भाई आप सभी के लिए है जिन्होंने दिया है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो नो डाउट आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। एग्जैक्टली yes, तो ओके सर, थैंक यू। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपसे तो अभी हम फिर से मॉक में रहेंगे सर। आप तो कहीं फिर से आपको बहुत सारी चीजें आप हमको भी सीखने को मिलती है। इनफैक्ट जब हम लोग मॉक में बैठते हैं और सर से अभी नॉर्मली, इनफैक्ट सर अभी मैं आपको बता दें कि अभी जो बहुत सारे PO के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये भी बोला कि जो आपने मॉक कराए थे, जो आपने मॉक में क्वेश्चंस पूछे गए वो डिफरेंस वाले या फिर आप जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो सेम एज इट इज क्वेश्चन पैनल में भी आए IBPS PO के। तो वो बोले वो बहुत सारे बच्चे को बहुत खुश थे इस चीज को लेके कि सर इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन आ गया। तो मेंस में तो आता ही था बट इंटरव्यू में सेम आया, तो अच्छा लगा। तो आई होप कि आगे के लिए भी सही रहेगा आप सभी के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। ओके सर, और बेस्ट ऑफ लक यार, आप सभी अच्छे से ऐसे करते रहो, और अभी हम लोग फिर से मेंस में इंटरव्यू में तो रहेंगे ही रहेंगे साथ में, और इंटरव्यू और अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। टेंशन हाँ सर।